हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो इस लेक्चर का आप सबको, इनफैक्ट सबको बहुत ज़्यादा वेट था। एसपी बख्शी रीलॉन्च्ड, यस, आपकी सबसे 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 ज़्यादा फेवरेट सीरीज एसपी बख्शी अब दोबारा से शुरू हो गई है लैब पे। टाइम याद रखिएगा 11:30 बजे। यस, तो आज पहला लेक्चर है। काफ़ी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, बातें करेंगे। और एक ये जो मैं हमेशा से बोल रही थी, एसपी बख्शी ऑलरेडी हमारी हुई थी, इस बार क्या नया है। तो इस बार हम लोग कॉन्सेप्ट्स तो करेंगे ही करेंगे, एसपी बख्शी के क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ मैंने और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी डाले हैं ताकि आपकी जो पकड़ है कॉन्सेप्ट पे और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। और वो जो क्वेश्चन है वो नए पैटर्न के ऊपर आधारित है जो अभी अभी एसएससी सीजीएल हुआ है। तो हुई ना दमदार तैयारी, बताओ जी ज़रा सा मुझे एक्साइटमेंट लेवल पहले बताइए, कितना है आपका एक्साइटमेंट लेवल। हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्साइटेड फॉर दिस लेक्चर मैन। गुड मॉर्निंग एवरीवन, दैट्स लाइक माय चैंपियन। मजा आ गई आप लोगों का एनर्जी लेवल देख के। तो यार मेरा एनर्जी लेवल कहाँ पहुंच चुका है आपको दिख ही रहा होगा। यू जस्ट हैव टू डू वन थिंग, यू हैव टू रिमेंबर द टाइम एंड द टाइम इज 11:30 AM। सो हाउज इट। चलिए अभी और चीजें आपके संग डिस्कस करते हैं। थैंक यू। अरे आंखों में आंसू भी आ गए कुछ लोगों के। यार ये खुशी के आंसू है ना, ये खुशी के आंसू है ना आप सबके। क्या बात है मैम, यू आर लुकिंग सो क्यूट। थैंक यू सो मच। ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बीहोल्डर। शायद आपकी आंखें खूबसूरत होंगी। बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो। चलो फिर शुरू करते हैं और देखते हैं कि जो देखो, एक बात मैं आज पहले लेक्चर में बता दूं, अगर आप लोगों ने इसी तरीके से इंटरेस्ट बनाए रखा तो और भी मज़ेदार मज़ेदार चीज़ें लॉन्च होती रहेंगी। और ये जो इंटरेस्ट आपका अभी है, अगर इस इंटरेस्ट में ज़रा सा भी कमी आई तो आपके इंटरेस्ट के ऊपर मेरा इंटरेस्ट डिपेंड करता है, फिर मुझे भी बेकार लगने लगेगा। ठीक, चलिए अब सबसे पहले जितने भी लोग यहाँ पे नए हैं पुराने हैं, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ। इससे पहले आप लोग मुझसे पूछो, सब लोग इसको अभी ही सब्सक्राइब कर लेना मेरे टेलीग्राम चैनल को, क्योंकि मैं अपने लेक्चर की लिंक्स यहीं पे शेयर करती हूँ। मेरे टेलीग्राम का नाम है बरखा BARKHA चैनल CHANNEL। ये मेरे टेलीग्राम का नाम है बरखा चैनल। ठीक, देख लो आप सब लोग लेक्चर के बाद तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लेना। आपको जो भी जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है या फिर मुझे कभी कोई प्रैक्टिस क्विज कराना है, कुछ प्रैक्टिस का मटेरियल देना है, वो सब मैं आपको यहीं पे दूंगी। ठीक है, सब लोग सब्सक्राइब कर लेना लेक्चर के बाद। चलिए अब शुरू करते हैं। ओहो कितने सवाल पूछोगे। अब दूसरा सवाल आ गया कि मैम ये लेक्चर किसके लिए है। SSC, CGL, CHSL, Bank, PO, Insurance, Stenographer, CDS, FCAT, जिस भी पेपर में आपकी अंग्रेजी आती है उस पेपर के लिए ये हमारा लेक्चर है। देख लो कान खोल के ध्यान से। देखो यहाँ पे सारे एग्जाम के नाम आपके लिखे तो हैं, एसपी बख्शी की किताब है तो लिखे तो हैं सारे नाम, मैं पढ़ दे रही हूँ। CGL, CDS, FCAT, Bank, Insurance, RBI, CHSL, CPO, सारे पेपर जहाँ पे इंग्लिश आती है, ये एक ग्रैंड लेक्चर है आप सबके लिए। यार आप सब, मैं एक बात मैं अपने दिल की आप सबको बताना चाहूँ, आप सब लोग मुझसे पता है क्या कह रहे थे, मैम आप सिर्फ द हिंदू का लेक्चर ले रही हो, यही आप लोग बोलते थे ना। तो मैं अभी से नहीं, काफ़ी टाइम से इस लेक्चर की प्रिपरेशन कर रही थी। मैं सोच रही थी कि किस तरह से मैं ये वाला टाइम स्लॉट फ्री करूं, तो मैंने अपना द हिंदू सुबह शिफ्ट कर दिया। अब मेरा द हिंदू सुबह होता है 7:45 AM पे, और ये ऑल एग्ज़ाम की इंग्लिश, ऑल एग्ज़ाम इंग्लिश स्पेशल लेक्चर, ये स्पेशल लेक्चर आपका 11:30 पे एसपी बख्शी का होगा। तो मेरे दो लेक्चर्स होते हैं यहाँ यूट्यूब चैनल हमारे लैब पे, ये दोनों हैं। जितने भी नए लर्नर्स हैं सब लोग सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन आ जाए। अभी शुरू करते हैं, बहुत हो गई भाई बात, बहुत बात हो गई, अब मुद्दे की बात शुरू करते हैं। पता चला आपने बोला कि मैम इतनी चीज़ें बता दी और कुछ पढ़ाया तो है नहीं, तो यार मैं इतना बड़ा एलिगेशन अपने सर पर नहीं ले सकती हूँ, पढ़ाई शुरू करते हैं तुरंत। तो चलिए ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, एक एक स्टूडेंट को आंसर करना है और फिर देखना है कि इस लेक्चर की ब्यूटी क्या है। क्लास के अंदर मैं गारंटी दे रही हूँ, अगर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो कल से क्लास मत अटेंड करना, चैलेंज है, गारंटी है। जितने कॉन्सेप्ट सिखाऊंगी सब क्लास के अंदर याद हो जाएंगे। ये आपके सामने क्वेश्चन है, कोई टाइमर वाइमर नहीं मिलेगा, क्वेश्चन देखो और 3-4 सेकेंड के अंदर आंसर करो। नहीं कर पा रहे हो मैं सिखाऊंगी, लेकिन आंसर सबको करना है। कोई ये नहीं कहेगा मैम हमें नहीं आता, हम तो इंग्लिश में जीरो हैं। नहीं आता है तभी आप यहाँ आए हो, आंसर करो भले ही गलत हो ताकि मैं उसको एक्सप्लेन करूँ आपको। डर अपने अंदर से हटाओ इंग्लिश का। सब लोग आंसर करो इसका,
क्या इसका आंसर है? क्विक, स्पीड अप गाइस, कम ऑन, सब लोग आंसर करो क्विक. वेरी गुड अमेजिंग अमेजिंग, और तेज आंसर करिए और तेज. स्पीड 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 स्पीड. एसपी बख्शी भैया आपकी फेवरेट सीरीज है, दिखना चाहिए. स्पीड अप स्पीड अप. क्या आंसर आ रहा है, क्या आंसर आ रहा है? वेरी गुड करेक्ट आंसर. कुछ लोगों ने थ्री क्यों किया है, थ्री टू, टू थ्री और वन के बीच में आपको डाउट है. करेक्ट आंसर है द एनिमी हैज रिसीव्ड मेनी इंफॉर्मेशंस. यार यही तो आपकी एरर है, मैनी इंफॉर्मेशंस, ये थोड़ी ना होता है. चलिए आपको कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, ठीक. एरर है, मैंने बता दिया इसका आंसर क्या है. मैनी इंफॉर्मेशन की जगह पे क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशंस हो जाएगा. और मैनी यूज होता है काउंटेबल के लिए, जिनको हम काउंट कर सकते हैं उंगलियों पे, उसके लिए मैनी यूज होता है. और जो अनकाउंटेबल है उसके लिए मच आता है. तो यहाँ पे मैनी इंफॉर्मेशंस नहीं हो जाएगा, मच इंफॉर्मेशन कर दो या फिर पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन कर दो, लेकिन मैनी नहीं लगेगा. ये पूरा कॉन्सेप्ट है. अब मैं लिख के एक एक चीज आपको समझाने जा रही हूँ, अच्छे से समझ लो कॉन्सेप्ट. कॉन्सेप्ट पे आते हैं. क्वेश्चन देख लिया, किस वेराइटी का है, अनकाउंटेबल की वेराइटी का क्वेश्चन है. अब इसके बारे में एक एक चीज चलिए समझ लेते हैं. कभी भी हमारे सेंटेंस में कोई भी अनकाउंटेबल वर्ड आ रहा है, वो भी मैं आपको क्लास के अंदर ही याद कराऊंगी. जो भी इरी वाले वर्ड हैं, सीनरी, मशीनरी और पॉटरी, पोइट्री, इनके बाद कभी भी ऐसा नहीं लगता है, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं. दूसरा जो आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, एविडेंस, डस्ट, वाटर, वर्क, कभी नहीं आता इनके बाद में एस, क्योंकि ये भी अनकाउंटेबल नाउन है. तीसरी कैटेगरी जो ए जी ई से एंड होती है, वेटेज, बैगेज, परसेंटेज, कोई भी नाउन, ध्यान से सुनना, क्लास में ही याद हो जाएगा. ये सब लिस्ट विस्ट याद करने में बड़ी दिक्कत होती है ना, अब समझो. आपका कोई भी नाउन अगर ए जी ई से एंड हो रहा है, एन ई डबल एस से एंड हो रहा है, आई ओ एन से एंड हो रहा है, एच डबल ओ डी से एंड हो रहा है, ए एन सी ई या फिर ई एन सी ई से एंड हो रहा है, कोई भी नाउन, वेटेज, बैगेज, परसेंटेज, काइंडनेस, गुडनेस, जो भी वर्ड एन ई डबल एस से एंड हो रहा है, प्रोडक्शन, रिडक्शन, सक्शन, नेबरहुड, चाइल्डहुड, ए एन सी ई, ब्रिलियंस, ई एन सी ई, कोई भी वर्ड हमारा ए एन सी ई, ई एन सी, इससे अगर एंड हो रहा है तो उस सारी लिस्ट को हम अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में रखते हैं. ये तो एक शॉर्टकट हो गया, जो इतनी बड़ी बड़ी लंबी लंबी लिस्ट आपको दिखा करती थी बहुत सी किताबों में, एसपी बख्शी की जितनी भी किताबें हैं. ये क्यों एसपी बख्शी वर्जन 2.0 है, क्योंकि यार ये एसपी बख्शी पढ़ोगे बरखा मैम के अंदाज में, इसीलिए तो ये वर्जन 2.0 है. पिछले बार से भी ज्यादा पावरफुल, ठीक है. डिफरेंस समझ में आया, किताब में आपको लिस्ट मिलती है, यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल गई कि भाई काम खत्म. कोई भी शब्द हमारा अगर ए जी ई से एंड हो रहा है, आई ओ एन से एंड हो रहा है, एन ई डबल एस, ए एन सी ई, ई एन सी ई, अगर इससे एंड हो रहा है तो उस पूरे को हम अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में डालते हैं. इसके साथ साथ जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले और भी शब्द हैं, ई आर वाई से एंड हो रहा है, देखो इन्फॉर्मेशन हमारा आई ओ एन से एंड हुआ, ये भी एंड से हुआ. बाकी जो कुछ वर्ड्स बचे हैं उनको देख लेते हैं. एडवाइज, इन्फॉर्मेशन, हेयर, बाल, और इसके बाद और है पेपर, ब्रेड, वर्क, ब्रिक, ब्रिक, बी आर आई सी के. ये जो मैं करा रही हूँ इसके बाहर कुछ नहीं मिलेगा किसी भी एग्जाम में, इसीलिए ध्यान से पढ़ना. ब्रिक, स्टोन, ये सब हमारा अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में डाला जाता है. मिसचीफ यानी कि शैतानी, मिसचीफ, गंदगी, डर्ट, डस्ट, ये सब हमारा अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में डाला जाता है. और अनकाउंटेबल नाउन के संग अब होता क्या है, चलिए करते हैं पोस्टमार्टम अनकाउंटेबल नाउन का. पहले बताओ ये पूरी लिस्ट दिख गई कि हम अनकाउंटेबल नाउन में किस किस चीज़ों को डालते हैं, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए. पता चला मैंने डायरेक्ट बता दिया भाई अनकाउंटेबल नाउन के संग ये 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 होता है, आपने रट लिया, एग्जाम में नहीं कर पाए. पहले तो ये सीखो कि अनकाउंटेबल नाउन के संग होता क्या क्या है. तो अनकाउंटेबल नाउन में इन सारी चीजों को डाला जाता है. बोलो जी, जिस चीज को हम काउंट नहीं कर सकते, उंगलियों में नहीं कर सकते, वो अनकाउंटेबल नाउन है. अनकाउंटेबल नाउन को इस कैटेगरी में डाल देते हैं. इतनी चीज क्लियर हो गई सबको, क्लियर हो गई अनकाउंटेबल नाउन के बारे में, ग्रेट. अब देखते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन के संग किया क्या क्या जाता है. ठीक, अगर हमारे सेंटेंस में कभी भी कोई भी अनकाउंटेबल नाउन आया है, और ये अनकाउंटेबल नाउन है क्या, जो अभी हम सीख चुके हैं, ठीक, अगर
कभी भी कोई भी अनकाउंटेबल नाउन आया है तो इसके संग सिर्फ चार चीजें याद रखना। इन चारों चीजों के बाहर अगर किसी भी एग्जाम में आए तो मैं ये सीरीज बंद कर दूंगी उसी दिन। चार कॉन्सेप्ट बता रही हूँ आपको बस अनकाउंटेबल नाउन के। पहला कॉन्सेप्ट, अनकाउंटेबल नाउन के बाद कभी भी एस नहीं आता है, अनकाउंटेबल नाउन के बाद कभी भी ई एस नहीं आता है, अनकाउंटेबल नाउन के बाद कभी भी एस नहीं आता है और अनकाउंटेबल नाउन के बाद कभी भी ई एस नहीं आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अनकाउंटेबल नाउन को हमेशा ही सिंगुलर फॉर्म में यूज किया जाता है। अब भाई हमेशा ही सिंगुलर फॉर्म में यूज किया जाता है इसका मतलब क्या हुआ कि जो वर्ब लगता है वो भी हमारा सिंगुलर ही होगा, ठीक, कभी भी प्लूरल वर्ब नहीं यूज होगा इसके साथ। इतनी चीज क्लियर हो गई। अनकाउंटेबल नाउन के बाद कभी भी एस और ई एस नहीं आता है, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रखा जाता है। दूसरी चीज, अनकाउंटेबल नाउन के बाद में जो वर्ब यूज होता है वो भी हमेशा सिंगुलर होता है, कभी भी प्लूरल वर्ब नहीं यूज होता। दोनों चीज क्लियर हो गई। चलिए तीसरी चीज करते हैं। तीसरी चीज क्या है अनकाउंटेबल नाउन के संग, सब लोग भाई नोट्स वोट्स बनाते रहिए, बीच बीच में लेक्चर की रिकॉर्डिंग सुनिएगा तब नोट्स बनाइएगा, अभी पूरा ध्यान दीजिए सिर्फ मेरे लेक्चर पे और कॉमेंट सेक्शन में। बस दो चीज हो गई। तीसरी चीज, अनकाउंटेबल नाउन से पहले कभी भी ए या फिर एन नहीं आता है, अनकाउंटेबल नाउन के पहले कभी भी ए या फिर एन नहीं आता है। और चौथी चीज कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले कभी भी मैनी भी नहीं आएगा, चाहे आप मच लिखो, चाहे आप सम लिखो, चाहे लिटिल लिखो, सब आ जाएगा, लेकिन मैनी और फ्यू नहीं आता है। कोई भी अनकाउंटेबल चीज है मतलब आप काउंट नहीं कर सकते हो, तो मैनी और फ्यू नहीं होगा। आप वहां पे मच लिख सकते हो, सम लिख सकते हो, लिटिल लिख सकते हो। इतनी चीज क्लियर है। चारों कॉन्सेप्ट याद हो गए, एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अनकाउंटेबल नाउन के संग चार कॉन्सेप्ट होते हैं, चारों कॉन्सेप्ट याद हो गए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, इतनी चीज हमें समझ में आ गई है, आगे बढ़ते हैं। अब फिर से आपके सामने दूसरा सवाल है, अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी के ऊपर ही डिपेंड करता है। एक एक स्टूडेंट आंसर करो, जितने लोग लेक्चर को देख रहे हो, और आपने अगर सबने आंसर नहीं किया तो मुझे लगेगा आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो और मेरा भी इंटरेस्ट कम हो जाएगा। इसीलिए जितने लोग भी लाइव हैं सब लोग आंसर करो, इस क्वेश्चन का आंसर करिए सब लोग। आई वॉन्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू गिव मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्विक, सुपर क्विक, क्विक 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 सुपर क्विक और स्पीड में। वेरी गुड, द हिल्स ऑफ उत्तर प्रदेश अबाउंड इन ब्यूटिफुल सीनरीज, इरी इरी ई आर वाई से एंड हो रहा है ना, सीनरी पोएट्री पोटरी ई आर वाई से एंड हो रहा है, मतलब क्या है, मतलब कि अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में डाला गया है। इसका मतलब क्या है, इसके बाद में कभी भी एस नहीं लगेगा और जो वर्ब यूज होगा वो भी हमेशा सिंगुलर होगा, प्लूरल वर्ब भी नहीं यूज होगा। ये दोनों चीजें पता है। अब हमने यहाँ पे देखा इसके संग एस लगा है, मतलब ये गलत है, सीनरीज नहीं होता। इरी से एंड होने वाला वर्ड अनकाउंटेबल नाउन में डाला गया, सीनरीज नहीं होता है, इट इज सीनरी, और इस वजह से यहाँ पे एस नहीं लगेगा, सिर्फ सीनरी होगा। बात समझ में आ गई, ये कंफ्यूजन होता था ना, अभी क्लियर हो गया। वेरी गुड, अमेजिंग विशाल, वेलकम टू लैब लवर मेंबरशिप। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री, पूरा फोकस क्वेश्चन के ऊपर, और जितने भी लोग लेक्चर को देख रहे हो सब लोग आंसर करो, एक एक स्टूडेंट को आंसर करना है, क्विक, स्पीड अप स्पीड अप स्पीड अप। वेरी गुड, देख लेते हैं किसने किसने सही आंसर किया। चिल्ड्रन आर प्रॉन, मतलब कि बच्चे पैदा ही होते हैं किस चीज के लिए, टू मेकिंग मिसचीफ्स, शैतानी, फिर से अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी के अंदर में डाला गया है, मिसचीफ है ना, अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में अंडर में डाला गया है, मतलब कि एस नहीं होगा।
यहाँ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये दे वर्ड किसके लिए यूज हुआ है, ये हैव वर्ड किसके लिए यूज हुआ है? क्योंकि भाई मैंने तो ये बोला था ना कि अनकाउंटेबल नाउन के संग प्लूरल नहीं लगता है, तो अब यहाँ पे हैव क्यों आया है? देखो जब भी कोई चीज समझो तो डेप्थ तक समझो। अब मुझे बताओ यहाँ पे जो हैव लगा है और दे लगा है ये किसके लिए लगा है? ये लगा है चिल्ड्रन के लिए, इस वजह से ये प्लूरल हुआ है। ठीक, अच्छे से कॉन्सेप्ट समझो। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आई शैल नॉट अटेंड द मीटिंग सिंस आई हैव मेनी वर्क्स टू कंप्लीट विद इन अलॉटेड टाइम। सब लोग आंसर करिए और स्पीड में, क्या है आंसर देखते हैं। आंसर आंसर क्विक क्विक क्विक, स्पीड अप स्पीड अप स्पीड अप, और तेज और तेज। वेरी गुड, आई शैल नॉट अटेंड द मीटिंग सिंस आई हैव मेनी वर्क्स। देखो यार वर्क है, अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में डाला है तो वर्क के संग एस नहीं लगेगा, पहली एरर। दूसरी एरर कि वर्क से पहले मैनी का भी हम यूज नहीं करेंगे, मच आएगा, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के पहले कभी भी मैनी और फ्यू नहीं आता है। अभी अभी कराया है ना मैंने, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा मच वर्क, ये हमारी एरर है। सबने यही आंसर किया है, बहुत ही बढ़िया, शानदार। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड आई वॉन्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू गिव मी द करेक्ट आंसर क्विक। स्पीड में आंसर करो सब लोग। क्या है इसका करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर क्या है? जल्दी से, स्पीड अप स्पीड अप। इट इज नेवर माई बिजनेस टू गिव एन एडवाइस। एडवाइस क्या है? अगेन एडवाइस को हम अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी के अंदर डालते हैं और अनकाउंटेबल नाउन से पहले ए और एन नहीं आता है, तो एन एडवाइस बोलना बिल्कुल गलत होगा। अब मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दे रही हूँ, हमेशा आप लोग कंफ्यूज होते हो इन दोनों शब्दों में, एक हो गया एडवाइस और एक हो गया एडवाइस, ए डी वी आई एस ई एंड ए डी वी आई सी, हमेशा इसमें कंफ्यूज होते हो ना। चलिए आपका कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर करते हैं, चलिए आपका कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर करते हैं। ए बी सी डी पढ़ो अपने मन में, काफी लोग यहाँ पे नए हैं, मतलब बेसिक से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जल्दी से अपने मन में ए बी सी डी पढ़ो और मुझे बताओ कि सी पहले आता है कि एस पहले आता है? जब हम मन में ए बी सी डी पढ़ते हैं तो यार जाहिर सी बात है सी पहले आएगा और फिर एस आएगा। ठीक, अब दोबारा से ए बी सी डी पढ़िए और मुझे बताइए कि एन पहले आएगा कि वी पहले आएगा? यार पहले एन आएगा फिर वी आएगा, हमने कोई लॉजिक नहीं लगाया यहाँ पे, हमने बस मन में ए बी सी डी पढ़ी है और मैंने आपसे पूछा पहले सी आएगा कि पहले एस आएगा, आपने बोला पहले सी आएगा तो मैंने सी को ऊपर रख दिया। फिर मैंने आपसे पूछा कि पहले एन आएगा कि पहले वी आएगा, आपने बोला पहले एन आएगा तो मैंने एन को ऊपर रख दिया। ठीक, बस यही लॉजिक है, जो भी पहले आया है उसको हमने एक साथ रखा है। यानी कि क्या है यहाँ पे एडवाइस, ए डी वी आई सी ई हो गया हमारा नाउन और ए डी वी आई एस ई ये हो गया हमारा वर्ब। बात समझ में आई? अब तो कभी नहीं भूलोगे ना, कभी भी कंफ्यूजन हो ना कि एडवाइस नाउन है कि वर्ब है, सिंपल सी चीज है, मन में ए बी सी डी पढ़ो। पहले सी आया है पहले एन आया है मतलब एडवाइस हो गया नाउन, और एस आया है मतलब कि वो हो गया हमारा वर्ब। क्लियर है सबको? अमेजिंग। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसएससी एंड बैंक एग्जाम? कोई डिफरेंस अभी मत समझो, अभी बस एक चीज पे फोकस रखो कि बरखा मैम के दो लेक्चर्स होते हैं लैब पे, एक होता है सुबह 7:45 पे AM पे द हिंदू, उसमें मैं वोकैबुलरी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कराती हूँ डेली बेसिस पे, और ये हो गया आपका SP बख्शी 11:30 पे। बस ये दोनों टाइम याद कर लो, इसके अलावा और अभी कुछ नहीं सोचना है आप लोगों को। कभी भी मे वॉट हैपन्स, मुझे नहीं पता आप लोग नए हो कि पुराने हो इस यहाँ पे, एक चीज याद रखो, जो सुबह 7:45 AM पे द हिंदू होता है इसको मत मिस करना, क्योंकि ये एक अलग लेवल से, मैं यहाँ पे इंग्लिश में वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन यहाँ पे मिलेगा आपको डेली बेसिस पे, और ग्रामर 11:30 पे। तो ये दो टाइम याद रख लो जितने भी लोग नए हो, ठीक है? चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो ताकि आपको खुद एक बहुत ही बढ़िया बूस्ट मिले प्रेपरेशन में। दोबारा से लैब इज एक्टिव मैन, आप सबके संग खड़ा है, बस आपका भरोसा चाहिए। यस, इसी तरीके से एनर्जी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा,
करो, सब लोग आंसर करो, जिस तरीके से अभी स्पीड में आंसर कर रहे हो उसी तरीके से सबको आंसर करना है, क्विक, एकदम स्पीड में, स्पीड अप स्पीड अप स्पीड अप, वेरी गुड। That's amazing. ये बढ़िया बात है। अब मैं जा रही हूं इसका डिस्कशन करने। अब प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन, यार इंफॉर्मेशन फिर से अनकाउंटेबल हो गया ना, और अनकाउंटेबल के बाद में क्या ऐसा आता है, नहीं आता है, तो ये हमारी एरर है। सामने सामने सबका आंसर आना चाहिए था, मैंने ऐसा सोचा भी था कि आप सबका आंसर आएगा, सबका आना चाहिए था। इट इज अ पिटी दैट इवन 5 years old बॉयज आर एंगेज्ड इन हैजार्डस फैक्ट्रीज। दिमाग लगाओ और आंसर बताओ, सब लोग एकदम स्पीड में, वन में एरर है, और तेज, थोड़ा और एनर्जी लाओ, कम ऑन, क्विक। ओके, इट इज अ पिटी दैट इवन 5 years old बॉयज। अब ये कॉन्सेप्ट आपको समझाने वाला है। कई बार ऐसा होता है कि हमें नंबर मिलता है और कई बार ऐसा होता है कि हमें नंबर नहीं मिलता, हाँ कि ना? आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि ये जो ईयर्स लिखा है, कई बार इसमें एस लगा होगा और कई बार आपने देखा होगा कि एस नहीं लगा होगा, है ना? ये दोनों ही सही होता है। कुछ सिचुएशंस में एस लगता है और कुछ सिचुएशंस में एस नहीं लगता है, डिपेंड करता है आपके सेंटेंस के ऊपर। तो ये रहा आपका दूसरा कॉन्सेप्ट आपके सामने, ये रहा। वर्ड लाइक मिलियन, बिलियन, हंड्रेड, थाउजेंड, डजन, कपल, जो भी यूनिट बताने वाले वर्ड हैं, ईयर, मिलियन, बिलियन, ईयर, डजन, और प्ले, और कौन सा शब्द है, हंड्रेड, थाउजेंड, ये सारे जो शब्द हैं वो इसको बताने वाले जो शब्द हैं, ये सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं क्या इसमें होता है, समझ लीजिएगा अच्छे से। अगर कभी भी हमारे सेंटेंस में इस लिस्ट का कोई भी वर्ड आ रहा है और इसके सामने नंबर दिया है, इफ़ इट इज़ प्रिसीडेड बाय अ नंबर, देख रहे हो ना, तो ये हमेशा सिंगुलर रहता है, यानी कि इसमें देख लो एस कभी नहीं लगेगा। और यहाँ पे नंबर नहीं आया है, मतलब नंबर नहीं आने का मतलब है ऑफ दिखेगा आपको आते हुए सेंटेंस में, तो वहां पे एस लगेगा। दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर है, वर्ड सेम है, मिलियन, बिलियन, ईयर, कोई भी वर्ड है, रूपी, अगर उसके पहले नंबर आया है तो एस नहीं लगेगा, ऑफ आया है तो एस लगेगा, इतना कॉन्सेप्ट है, ठीक। अब सब लोग, आप लोग एक बार दोबारा से इस सवाल को देखिए और करिए, ठीक है, जल्दी से देख लीजिए। और अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैं देख रही हूँ आपकी, मतलब इंग्लिश की परफॉर्मेंस तो सुपर्ब चल रही है, मैं मैथ्स और जीएस के बारे में भी अभी आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। इसका आंसर करो यस, दैट्स इट, इट्स पिटी दैट 5 years। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, आपके सेंटेंस में नंबर आया है ना, तो एस नहीं लगेगा, आसान हो गया ना कॉन्सेप्ट। चलिए अब जल्दी से मेरी बात ध्यान से सुन लो, जितने भी लोग यहाँ पे नए जुड़े हो, मुझे लगता है आपको यहाँ के लेक्चर्स के बारे में नहीं पता है। जिस एनर्जी से ये इंग्लिश का लेक्चर हो रहा है, सेम इसी एनर्जी से आपका मैथ्स का और जीएस का भी लेक्चर हो रहा है। 3 बजे आपकी किरण, मैथ्स में किरण की सीरीज चल रही है, 3 PM पे डेली होती है मैथ्स में किरण की सीरीज, और आपकी 5:30 बजे से शुरू हो जाती है ल्यूसेंट, जीएस ल्यूसेंट की, अमन सर की सीरीज, ठीक है। मैं इन दोनों सीरीज की लिंक डलवा दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, अभी के अभी लेक्चर के अंदर ही इस पे क्लिक करके वेटिंग पे चले जाना, ठीक है, ताकि आप लोगों को जीएस और मैथ्स भी प्रिपेयर होना आज ही से शुरू हो जाए, ठीक है। तो जल्दी से मैं इसमें लिंक डाल दे रही हूँ, तुरंत मैं लिंक डाल दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, 3 बजे जो किरण की मैथ्स है और 5:30 बजे जीएस है ल्यूसेंट की, अभी के अभी क्लिक करके उस पे वेटिंग लिस्ट पे क्लिक करिएगा। आई डोंट वांट कि आपके सिर्फ 50 में 50 इंग्लिश में आए, हर सब्जेक्ट को फोड़ो, हर सब्जेक्ट में 50 में 50 चाहिए, टीचर्स एकदम बेतोड़ आपको मिलेंगे, बस एनर्जी ऐसे ही दीजिएगा जैसे मुझे दे रहे हो, ठीक। चलो टाइम लिख के बताओ, 5:30 बजे ल्यूसेंट जीएस की अमन सर एकदम खतरनाक स्टोरी वाले तरीके से पढ़ाते हैं, और आपकी किरण होती है, किरण की मैथ्स होती है 3 बजे। आई वॉन्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू अटेंड दीज 2 lectures। 6:30 पे फिर से आपका मैथ्स का एक सेशन होता है आर एस अग्रवाल का, ठीक है। तो ये सारे सेशंस की मैं लिंक डलवा दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आई वॉन्ट यू गाइज टू अटेंड ईच एंड एवरी लेक्चर। इसके बाद सीधे आपको 3 बजे आना है मैथ्स में किरण पे, और फिर 5:30 पे जीएस में। चलो अब बीच में बहुत बातें शाते हो गई, आगे बढ़ते हैं। हर एग्जाम के लिए ऑल एग्जाम टारगेटेड लेक्चर्स बन रहे हैं ये मुझे जो आप बोल रहे हो ना, DSSB स्टेनोग्राफर, यार सब क्वालिफाई होगा, बस रेगुलर रहना।
चलो ये कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा दिया है, इस क्वेश्चन का आंसर सब लोग करो एकदम स्पीड में क्विक। वोकैबुलरी के लिए नैतिक वोकैबुलरी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डेली सुबह होता है 7:45 AM पे। यहाँ पे ग्रामर पढ़ा रही हूँ, 7:45 AM पे सुबह डेली आपका द हिंदू में मैं वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन कराती हूँ, ठीक है? डोंट वरी एंड जस्ट गिव अ स्माइल ऑन योर फेस। इसको करो क्विक। क्विक 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 सुपर क्विक। आई गेव हिम 2500 रुपीज। अरे भाई कभी भी हमारे सेंटेंस में डैश आता है, वैसे तो ये नंबर है लेकिन कभी भी याद कर लो डैश आ रहा है तो सिंगुलर फॉर्म लिखा जाता है, 100 भी सिंगुलर और रुपी भी सिंगुलर, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। मिलियन ऑफ पीपल हैव बीन फाइंड लिटरिंग गार्बेज ऑन द स्ट्रीट। यार इंडिया तो इस चीज के लिए फेमस है मुझे लगता है ना। चलो अब मैं गिनने वाली हूँ सिर्फ तीन तक एंड आई वॉन्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू गिव योर आंसर्स इन द कॉमेंट सेक्शन। 1, 2, 3, that's it. Time खत्म हो चुका है, time खत्म हो चुका है। मैं तो देख रही थी कि आप लोग कितने स्पीड में आंसर करते हो, इतनी कम स्पीड है यार आपकी। एक बात बताओ, मैंने क्या बोला? मिलियन बिलियन हंड्रेड रुपी ईयर कुछ भी हो, बस ये बताओ सेंटेंस में ऑफ लिखा है कि नंबर लिखा है, मुझे बस इतना बताओ देख के। यहाँ पे ऑफ लिखा है कि नंबर लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे बताओ? ऑफ लिखा है, और ऑफ के पहले ये जो मिलियन आपको दिख रहा है ना, इसीलिए तो ऑफ लिखा है ना, तो मिलियंस हो जाएगा यार। अगर यहाँ नंबर लिखा होता, सपोज ऑफ की जगह पे लिखा होता 2 मिलियन, तो यहाँ पे हम एस ना लिखते। अब यहाँ पे ऑफ लिखा है तो हमने एस लिख दिया। क्लियर हो रहा है? बढ़िया से क्लियर हो रहा है ना। चलो वेरी गुड वेरी गुड, आगे बढ़ लेते हैं। इस क्वेश्चन को करिए सब लोग स्पीड में, स्पीड में सब लोग आंसर करिए। अब तब तो सेकंड क्वेश्चन में तभी शिफ्ट होंगे जब सब आंसर हो जाएगा। क्विक 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 सब लोग आंसर करो बढ़िया से। क्विक अमेजिंग, आपका समय खत्म हो चुका है और सबने आंसर किया है। माई फादर गेव मी 2 dozens of bananas, 2 dozen दिया है ना, तो 2 dozen कर दो बस। यहाँ पे तो ऑफ भी है लेकिन हमने क्या किया, देखा 2 dozen है, 2 dozen है ना, 2 लिखा हुआ है तो हमने dozen कर दिया, 2 dozen ऑफ bananas, ठीक। ऑर्डर हैज बिन इशूड अगैन, an amazing concept is going to come in front of you, it's there. I want everyone of you to give me the answer. क्विक सब लोग आंसर करो एकदम स्पीड में, क्या होगा यहां पे? वेरी गुड, सो दिस इज इट, ऑर्डर हैज बिन इशूड। यार सही बात है, यहां पे आपको कोई एरर नहीं दिख रही होगी लेकिन यहां पे एरर है पार्ट नंबर 1 में। कुछ शब्द होते हैं जिसमें हमेशा एस लगा ही होता है, ठीक। मैं आपको लिस्ट दिखाना चाहूंगी कॉन्सेप्ट की, ये वो लिस्ट है जिसमें एस हमेशा लगा होता है। ऑर्डर्स, सराउंडिंग्स, जीन्स, टोंग्स, देखो ये सारे तो मैं आपको एक बार में याद करा दूंगी, देखना कैसे। जो वो वाले शब्द नहीं होते हैं जो हमेशा पैर में आते हैं, जैसे ये चश्मा है तो एक चश्मा लेकिन ये 2 गोलों से मिलके बना है। टोंग जिससे बर्फ निकाली जाती है, होता तो एक ही इंस्ट्रूमेंट एक ऑब्जेक्ट है लेकिन वो 2 से मिलके बना होता है इस तरीके से, है ना, कुछ कुछ इस तरीके से बना होता है। सेम गोज विद सीजर, होती एक सीजर है लेकिन 2 चीज से मिलके बनी होती है। बायनोक्यूलर्स यानी कि जो दूरबीन होती है, होता एक ही है लेकिन 2 गोलों से मिलके बना होता है। तो ऐसी जो भी चीज होती है, जीन्स, जीन्स जो हम पहनते हैं, एक जीन्स होती है लेकिन 2 पैर होते हैं, और ट्राउजर्स एक होती है लेकिन 2 उसमें बने होते हैं ना पैर। सेम गोज विद योर सॉक्स, हमेशा 2 के पैर में आता है। शूज हमेशा 2 के पैर में आते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको कुछ याद नहीं कराया है, मैंने सिर्फ आपको पिक्चराइज किया है, चीजें दिखाई हैं और याद आपको पहले अपने आप हो गया। जाहिर सी बात है भाई, चाहे जीन्स हो, चाहे पैंट हो, चाहे ट्राउजर हो, सीजर हो, टोंग हो, बायनोक्यूलर्स हो, स्पेक्टिकल्स हो, ये सब होते एक ही हैं लेकिन 2 के पैर में होते हैं। इस वजह से
इन सब के बाद में हमेशा एस लगता है। मैंने बहुत से लोगों को सुना है बोलते हुए ट्राउजर, ट्राउजर जैसा कोई वर्ड नहीं होता, जीन जैसा कोई वर्ड नहीं होता है, शू कोई वर्ड नहीं होता है, ठीक है, शूज ही आप बोलोगे, सॉक्स ही बोलोगे। उसी तरीके से स्पेक्टिकल्स, ऑर्डर्स, सीजर्स, बाइनोक्यूलर्स, टोंग्स, जीन्स, आर्म्स, आर्म्स का मतलब होता है दान दक्षिणा जो दी जाती है, सराउंडिंग्स, देखो इन सब के बाद में एस लगा है, सब के बाद में एस लगा है ना, मतलब ये ऐसे शब्द हैं जो बिना एस के कभी नहीं यूज होते हैं, ठीक, क्लियर है, समझ में आ गया सबको, ठीक है। अब हमने यहाँ पे देखा और क्यों, मैंने आपको रीजन भी दिखा दिया है, आपके दिमाग में पिक्चर बन गई होगी पहले से। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैंने बोला कि कभी भी ये वर्ड्स बिना एस के नहीं यूज होते हैं, शू हो, शूज हो गया, सॉक्स हो गया, सब में एस लगता है, ठीक है। अगर मुझे कभी कोई ऐसा सेंटेंस बनाना है जिसमें मैंने सिर्फ एक मोजे की बात करी है तो मैं वो कैसे लिखूंगी, दिमाग चलो। मैंने बोला ये सब ऐसी लिस्ट है जिनके बाद में हमेशा, मतलब यू हैव टू रिमेम्बर दैट थिंग, ये एक ऐसी लिस्ट है इनके बाद में हमेशा ही हम एस लिखते हैं, ठीक, हमेशा। तो अब मुझे एक बात बताओ, क्यों यहाँ पे ऐसा है कि एस हम लिखते हैं, ये तो चीज सही है, लेकिन अगर हमने सिर्फ एक मोजे की बात करी है, जैसे मैंने आपको सेंटेंस बनाया कि मेरे यहाँ पे दो मोजे रखे थे, लग रहा है कि एक मोजा चूहा उठा ले गया, तो फिर मैं एक मोजे को क्या बोलूंगी, मैं सॉक तो बोल नहीं सकती हूँ, शू तो बोल नहीं सकती हूँ, इस केस में क्या बोला जाता है पता है, वन पीस ऑफ सॉक्स या फिर वन पीस ऑफ शूज। तो हमने क्या सीखा, आगे पीछे आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन ये सारे शब्द बिना एस के नहीं यूज होते हैं, ठीक, क्लियर है, चलिए समझ में आ गया। तो फिर जरा सा इस वाले शब्द को दोबारा से देख लो, ये वाला मैंने क्वेश्चन दिया था ना आपको, जो आप सबने लाइन से गलत किया था बढ़िया से, तो अब इसको सब लोग सही करके भी दिखा दो बढ़िया से, क्या होगा, नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लिया करो या फिर क्लास के बाद एक साथ बैठ के नोट्स बना लिया करो, जब पढ़ाया करूं तब सिर्फ फोकस से सुना करो, ठीक, ये मेरा मानना है, बहुत अच्छे से पढ़ाई होगी ऐसे, क्या है अ पीस ऑफ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया शिवी शर्मा, अमेजिंग अमिशा, रिया, प्रखर, एकदम सही आंसर। अब हमने यहाँ पे क्या देखा, ऑर्डर बिना एस के तो यूज होगा नहीं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑर्डर्स और इनके संग जो वर्ड यूज होता है, जो वर्ब, वो भी हमेशा प्लूरल होता है, तो हैज की जगह पे हैव आ जाएगा। ये जो मैंने आपको लिस्ट बताई है ना, इसके संग हमेशा प्लूरल वर्ब आता है, एस लगा होता है तो वर्ब भी हमेशा प्लूरल आता है, ठीक है। भले ही आपकी एक ट्राउजर रखी है, आप बोलोगे ट्राउजर्स के संग हैज नहीं, हैव ही बोलोगे, आर ही बोलोगे, ठीक है। चलो अब एक चीज और बताऊं मैं आपको, मतलब अलग से सवाल पूछ रही हूँ, ये मत पूछिएगा मैम ये तो एसपी बख्शी में था नहीं, एसपी बख्शी वर्जन 2.0 है, मतलब यहाँ पे आपको बहुत सी चीजें एक्स्ट्रा मिलेंगी, ठीक है। चलो अब मैं ये जानना चाह रही हूँ आपसे सबसे, कि अगर यहाँ पे सेंटेंस ऐसा होता, जैसे यहाँ पे लिखा है ऑर्डर्स हैव बीन इशूड, अगर मैंने यहाँ पे किसी पर्टिकुलर ऑर्डर की बात करी होती, जैसे कि मैंने आपसे बोला होगा, मैंने आपसे बोला ट्रांसफर ऑर्डर, मतलब मैंने इसको एक पर्टिकुलर नाउन बना दिया है, कौन सा ऑर्डर, ट्रांसफर ऑर्डर, तब क्या ये बिना एस के यूज हो सकता है, अगर ये ऑर्डर वर्ड अकेला नहीं आया है, मैंने इसको प्रॉपर नाउन बना दिया है, एक प्रॉपर नाम दे दिया है, तब ये यूज हो सकता है, बिल्कुल यूज हो सकता है, ठीक। ये ऑर्डर वर्ड के संग स्पेशल केस है, मैंने सोचा आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ पे भाई बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एसएससी के साथ साथ बैंक की भी तैयारी कर रहे हैं, बैंक में कई बार इतना माइन्यूटली पूछ लिया जाता है, ठीक है। चलो क्लियर है ना, देखें यार क्या लिखा है आप लोगों ने, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार, अमेजिंग, आगे बढ़ते हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। चलिए क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर करना शुरू कर दीजिए, एक एक स्टूडेंट का आंसर आना चाहिए, एक एक स्टूडेंट का, क्विक। वेरी गुड, अमेजिंग अमेजिंग, दैट्स इट। यार थोड़ा और एनर्जी दिखा दो यार, मेरी एनर्जी में कमी है क्या? अगर मेरी एनर्जी में कमी नहीं है तो आपके में कमी कैसे आ रही है यार? आपको पता है आपकी एनर्जी से मेरी एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मुझे और एनर्जी दिखाइए, थोड़ा और अमेजिंग सा। चलो, यू कैन बाय द सीजर्स दैट इज शार्प, सीजर्स, सबसे पहली चीज यहाँ पे एस आएगा हमेशा, मतलब ये चीज तो सही है। दूसरी चीज, वर्ब भी तो प्लूरल यूज होता है,
तो इज के संग आर आएगा। बात समझ में आ रही है सबको? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स हैव बीन फाउंड इन द लाइब्रेरी। अमेजिंग क्वेश्चन, एंड आई बिलीव कि काफी लोग इसको शायद गलत भी करो। मैं 5 तक गिनती गिनूंगी और मुझे एक एक स्टूडेंट का आंसर चाहिए जो लेक्चर को लाइव देख रहा है। 1, 2, 3, 4, 5। टाइम्स अप। यार मुझे पता है आप लोगों ने एरर क्या किया है। आपने ये किया है कि भाई स्पेक्टिकल्स है, एस लगा है और इसके बाद में हैव लगा है, मतलब आपने इसको सही कर दिया। नो एरर, यार इसमें एरर है। एरर क्या है? आपने शुरुआत वाला वर्ड नहीं देखा। जैसे मैंने आपसे क्या बोला था कि अगर बात होती है शूज की तो हम आर लिखेंगे, लेकिन अगर वन पीस ऑफ शूज की बात हुई, वन पीस की, अगर वन पीस ऑफ शूज की बात हुई तो हम इज लिखेंगे, क्योंकि यहां पे ऑफ के पहले क्या आया है? ऑफ के पहले आया है वन पीस, तो जो ऑफ के पहले आता है उसके हिसाब से वर्ब लगता है। ठीक, अब यहाँ पे भी तो वो चीज हुई है, चाहे आप वन लिखो चाहे आ लिखो, आ को भी वन बोलते हैं। यहाँ पे स्पेक्टिकल्स तो है लेकिन स्पेक्टिकल्स के पहले ऑफ है, और अगर हमारे सेंटेंस में ऑफ आ रहा है तो जो भी वर्ब लगता है वो किसके हिसाब से लगता है? ऑफ के पहले जो आया है उसके हिसाब से, ना कि इसके हिसाब से। तो जो हमारा वर्ब लगेगा वो किसके हिसाब से लगेगा? ऑफ के पहले क्या आया है उसके हिसाब से। ऑफ के पहले आ पेयर यानी कि वन पेयर आया है, इसका मतलब है यहाँ पे हैव नहीं हैज आएगा। चीजें क्रिस्टल क्लियर हो रही हैं। क्लियर तो चलो बहुत लोगों को होंगी। अच्छा, क्रिस्टल क्लियर को हम क्या बोलते हैं? जितने भी द हिंदू के स्टूडेंट्स हैं सब लोग रिप्लाई करो। अगर ये चीज आपको अच्छे से क्लियर है तो आप रिप्लाई क्या करोगे? क्रिस्टल क्लियर तो नहीं बोलोगे। मैंने सुबह सुबह 3 से 4 शब्द आपको याद कराए हैं ना क्लियर के। कौन से हैं वो शब्द? डिसर्नेबल, एल्यूसिडेट, पैल्पेबल, स्टार्क, ये सब बोलोगे। क्लियर नहीं बोलोगे यार, घिसे पिटे शब्द। नई वोकैबुलरी डेवलप कर रहे हैं हम लोग और डेली बेसिस पे सीख रहे हैं यहाँ पे, है ना। देखते हैं कितने लोग द हिंदू का लेक्चर करते हो। सब लोग मुझे रिप्लाई, आपके रिप्लाई से मुझे समझ में आ जाएगा क्या मैंने जो अभी कराया वो क्लियर है। आपके रिप्लाई से मुझे समझ में आ जाएगा क्लियर है कि नहीं। मुझे समझ में आ गया कितने लोग लेक्चर करते हैं। जिसने क्लियर रिप्लाई किया है वो मेरा लेक्चर नहीं करता है, जिसने बाकी सारे शब्दों का से रिप्लाई किया है वो सारे लोग करते हैं। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करो इसी बात पे सब लोग। पूरा क्वेश्चन दिख रहा है ना? अमेजिंग, वेरी गुड, वेरी गुड। सब लोग आंसर करिए, एंड आई वॉन्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू आंसर इट। सब लोग स्पीड में, स्पीड अप, स्पीड अप, स्पीड अप। कॉन्सेप्ट सीखा हुआ है, जस्ट अभी मैंने कराया है, आंसर करो। आई परचेज्ड जीन्स व्हिच इज वेरी एक्सपेंसिव, सो आई एम थिंकिंग ऑफ गेटिंग इट रिप्लेस्ड बाय द इवनिंग टुडे। अगर मैं एक सेंटेंस को पढ़ूं और मुझे कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो भाई सीधी सी बात है, मुझे पूरा सेंटेंस एकदम सही लग रहा है, मैं नो एरर मार्क कर दूंगी। लेकिन अभी अभी आपने कॉन्सेप्ट सीखा है तो बताओ भाई, यहाँ पे बात हुई है जीन्स की, अगर इसके पहले अ पेयर लग जाता तो हम लिखते इज, पर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ जीन्स लिखा है। जीन्स, ट्राउजर्स, स्पेक्टिकल्स, टोंग्स, बाइनोक्यूलर्स, सब में ऐसा आता है और वर्ब भी प्लूरल लगता है। इसका मतलब कि यहाँ पे इज नहीं होगा, यहाँ पे आर होगा, है ना। यही है ना आप सबका आंसर, आर होगा यहाँ पे, है ना। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आप सबके सामने। चलो ऐसा करते हैं, मैं गिनती गिनूंगी 6 तक और 6 तक में सबको आंसर करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। टाइम्स अप, टाइम खत्म हो चुका है, कम ऑन, टाइम्स अप, टाइम खत्म हो चुका है आपका। I never believed in giving arm. Arm मैंने अभी क्या क्या बताया, क्या होता है ये, क्या होता है ये जल्दी से बताओ सब लोग। किसी को दान देना, दक्षिणा देना, इसको हम क्या बोलते हैं? दान और दक्षिणा देना किसी को, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं arms. तो ये जो word है ना, ये बिना s के कभी भी use नहीं होगा। Arm word हमारा as it is लिखा जाता है बिना s के। सॉरी, इसमें एस हमेशा लगता है, मैंने उल्टा बोल दिया, आई एम सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया। ये जो शब्द है ना, ए एल एम एस, इनके इनमें हमेशा एस लगेगा। और पूरी लिस्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है, लिस्ट आपको बताई है, ट्राउजर्स, सॉक्स, शूज, पैंट्स, जीन्स
स्पेक्टिकल्स, बाइनोक्यूलर्स, इन सब में हमेशा एस लगता है। ठीक, वेरी गुड, जहाँ तक सबका आंसर सही आया है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे मूव करते हैं। मेरी एक और फ्री लाइव क्लास है, ये वाली क्लास आपकी अनअकैडमी प्लस पे होगी। इट्स अ फ्री लाइव क्लास, डेली होती है 12:30 बजे। तो ये जो आपका लेक्चर होता है ना 11:30 बजे, इसके बाद आप और प्रैक्टिस कर सकते हो मेरे साथ 12:30 बजे वाली क्लास में। ठीक है, तो नाउन की प्रैक्टिस मैं अभी और कराऊंगी, 12:30 बजे वाली क्लास में आप सब लोग आ जाइएगा। क्लास की लिंक आपको ऊपर पिन करी हुई दिखी हुई है, लिंक पे क्लिक करके एनरोल कर लो। अगर आप नए हो तो आपसे पासवर्ड पूछेगा, क्लास का एक पासवर्ड होता है, पासवर्ड डाल दीजिएगा स्टडी, आपको क्लास में एंट्री मिल जाएगी अगर आप नए हो। अगर पुराने हो तो आपसे कोई कोड नहीं पूछेगा। ठीक, 12:30 पे क्लास है, यानी कि 15 मिनट के बाद सब लोग ज़रूर अटेंड करिएगा। ठीक, ओके, क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच मैम फॉर द इनक्रेडिबल सेशन, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर दिस इनक्रेडिबल एंड अमेजिंग एंड सुपर्ब, एंड मतलब कोई डाउट है ही नहीं मुझे आपकी एनर्जी पे, दैट्स रियली 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 अमेजिंग, आई हैव रियली एंजॉयड इट। क्विक आंसर करो सब लोग, जल्दी जल्दी आंसर करो यार। वन ऑफ द ओल्डेस्ट कार्स, ओ ओ ओ ओ ओ, ये तो एक नया कॉन्सेप्ट है, मुझे लगा था पिछले कॉन्सेप्ट के ऊपर ही डिपेंडेंट है। यार नया कॉन्सेप्ट है ना, नया कॉन्सेप्ट है ये हमारा, इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे। 11:30 पे कल फिर से क्लास है, 11:30 बजे ये क्लास कल फिर से है 11:30 AM पे, तो इसको कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अभी जितना मैंने कराया उतना सफिशिएंट है, अच्छे से रिकॉर्डिंग सुनिएगा, रिवाइज करिएगा, और जो मैं बोल रही हूँ उसको फॉलो करो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाना, मेरे दो लेक्चर होते हैं, 7:45 वाला मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, तो मैं नीचे लेक्चर डिस्क्रिप्शन, जैसे ही लेक्चर ख़त्म होगा डिस्क्रिप्शन खोलना, 7:45 AM पे मेरा द हिंदू होता है, इसमें मैं वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन कराती हूँ, जो सब इसमें आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है, डेली करोगे डर दूर हो जाएगा, वोकैबुलरी से भी कॉम्प्रिहेंशन से भी। आप बाकी सबसे पूछ सकते हो किस लेवल का होता है, या फिर कल खुद अटेंड करके देख लीजिएगा, सब लोग अटेंड करिएगा। अगर प्रॉपर पूरे नंबर चाहिए 50 में 50, तो जैसे कह रही हूँ वैसा करिए। ठीक, पहली लिंक में ये डलवाऊंगी, दूसरी लिंक में डलवाने जा रही हूँ 3 बजे जो किरण का लेक्चर होता है उसकी, 3:30 बजे होता है किरण सीरीज का लेक्चर लैब पे, उसको अटेंड करिएगा। तीसरी चीज, मैं आपको लिंक डलवाऊंगी 5:30 बजे वाले लेक्चर की, 5:30 बजे आपका होता है ल्यूसेंट GS, LUCENT, ल्यूसेंट, जो आपको कभी समझ में नहीं आती है, अमन सर उसको स्टोरी के फॉर्म में आपको कराते हैं, 5:30 बजे ल्यूसेंट का GS होता है। 3 बजे आपका किरण मैथ्स होता है, और 7:45 AM पे आपका द हिंदू होता है डेली सुबह। ठीक है, तो इन 3 लेक्चर्स की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दे रही हूँ, लिंक को क्लिक करके ज़रूर अभी ही ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपसे मिस ना हो। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो नए होंगे, जिनको नहीं पता होगा इन लेक्चर्स का, क्लिक करके अभी ही ज्वाइन कर लीजिए इन लेक्चर्स को। ठीक है, और अब मुझे कमेंट, आज के लेक्चर में मुझे कमेंट का बहुत 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 ज़्यादा वेट होगा, तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के ज़रूर बताइएगा, क्या ये सीरीज़ सच में आपको पिछले वाले से और भी ज़्यादा पावरफुल लगी, और भी ज़्यादा एनर्जेटिक लगी, और आपको कितना फ़ायदा हुआ। बस आपके कमेंट के ऊपर मेरे सेशंस डिपेंडेंट करते हैं, आपको फ़ायदा हुआ और सेशंस आएंगे, आते ही जाएंगे। तो जितने भी लोग लाइव हैं, कमेंट करना मत भूलिएगा कि इस सीरीज़ आपको कैसी लगी, और इससे कितना फ़ायदा फील हुआ, और क्या ये सीरीज़ कंटिन्यू रखूं, ज़रूर लिख के बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और इसके बाद 12:30 पे आप सबसे मुलाकात होती है फ्री सेशन में, अभी मैं नाउन की और प्रैक्टिस करा दूंगी। ये देख रहे हो आप लोग, ये जो 12:30 बजे मेरी फ्री क्लास है अनअकैडमी प्लस पे, क्यों मैं करा रही हूँ वहाँ पे, यहाँ पे क्यों नहीं, क्योंकि वहाँ पे पता है, यहाँ पे तो लेक्चर होंगे ही, वो 12:30 बजे डेली होगा, यहाँ पे एक रैंक प्रिडिक्टर इंस्ट्रूमेंट होता है, जिससे आपकी रैंक तुरंत प्रिडिक्ट हो जाती है, बड़ी मजा आती है प्रैक्टिस करने में। तो 12:30 बजे ज्वाइन कर लो क्लास को, ऊपर लिंक दी हुई है, अगर लिंक पे ना क्लिक हो तो अनअकैडमी प्लस पे जाना, ऐप डाउनलोड करना, मेरी प्रोफाइल क्लिक करना बरखा अग्रवाल, वहाँ पे स्पेशल क्लासेस में आपको मेरी अपकमिंग क्लास दिख जाएगी, वहां से ज्वाइन कर लो, कहीं से भी कर सकते हो। ठीक, चलिए, तो कल फिर मुलाकात करते हैं आप सबसे 11:30 बजे और सुबह 7:45 AM के सेशन में भी। मैं तीनों सेशंस की लिंक डालने जा रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, अभी के अभी एनरोल कर लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आप सबसे
कितने बजे? कल सुबह 7:45 में द हिंदू में, और 11:30 बजे दोबारा से मिलेंगे आपसे। इस वाले लेक्चर में मुलाकात होती है और वहां पे हम इस नए कॉन्सेप्ट से शुरुआत करेंगे कल 11:30 पे। ठीक, चलो, आपकी एनर्जी देख के बहुत अच्छा लगा एंड थैंक यू सो मच फॉर सच लवली एनर्जी। कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा कैसा लगा आपको लेक्चर। टाटा, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।